देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष, बिहार के जमुई जिले से लाइव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों की गहमा गर्मी लगातार चल रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, जो जमुई के MP भी है, आपको बता दें कि भाजपा के सिटिंग विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव को इस बार भाजपा ने सीट नहीं दिया है झाझा विधानसभा 242 से, लेकिन झाझा से लोजपा की उम्मीदवारी करेंगे ये सुनिश्चित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा। डॉक्टर रविंद्र यादव अब भाजपा से नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी जीत की दावेदारी लगातार बताई जा रही है जनता के द्वारा। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं जनता का सकारात्मक सोच का निशानी। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी जो कि बहुत ही बड़ा क्षेत्रीय पार्टी का अंग है, NDA गठबंधन में वो है भी, अलायंस पार्टी है, लेकिन जदयू के उम्मीदवार झाझा विधानसभा 242 से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जदयू जिला अध्यक्ष दामोदर रावत इस बार आमने सामने रविंद्र यादव लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के होंगे। दोनों की आमने सामने की गर्मा गर्मी आपको हम लगातार अपने माध्यम से अपडेट दिखाते रहेंगे। इस समय मैं जमुई जिले के कचहरी चौक से लाइव हूँ, जहाँ पर निवर्तमान विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव का काफिला पहुँच चुका है। रविंद्र यादव अभी तुरंत वो निर्वाचन आयोग की ओर इन किए हैं। हम आपको लगातार खबरों की अपडेट दिखाते रहेंगे। देखिए हमारी खास खबर सकते हैं कि जम्मू जिले के कचहरी चौक में किस प्रकार प्रशासन की तैनाती है और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पूरे दल बल के साथ तैनात है। आगे का जो आपको हम बैरियर दिखाएंगे उसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी को जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से अपने दल बल के साथ तैनात है और प्रत्याशी एवं मीडिया कर्मियों के सिवा वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकते। लोजपा भी हमारा अलायंस है, अलायंस पार्टी है, NDA में है लोजपा, और चिराग पासवान जी हमारे MP हैं। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का MLA हूँ, हमारा मेंबरशिप खत्म नहीं हुआ, और हम लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार अपनी खून से सींच कर सारे मेहनत करके जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक फ्रंट पर थे, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया और झाझा सीट से भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। बिहार के जमुई जिले से सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, भी देखेंगे आप इसे कह सकते हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के झाझा विधानसभा 242 के उम्मीदवार डॉक्टर रविंद्र यादव जो कि निवर्तमान भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। कचहरी चौक से वो शिल्पा भवन के ओर आ चुके हैं और उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं और विधानसभा चुनाव में क्या उनकी जीत होगी, जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे खास रिपोर्ट के लिए नेशन न्यूज़ से। कुमार अर्जी सबसे